Assalamualaikum guys, आज हमारा तीसरा दिन है कश्मीर वैली में और आज हम लोग कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, बस यहीं पे सात भैया के रिलेटिव्स और कजन्स जो भी है उनसे मिलने जाएंगे और इन लोगों के जो ट्रेडिशनल घर थे वो भी दिखाएंगे। अभी हम लोग सब तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो चुका हूँ, यमुना भी और सारे, तो चलो अभी निकलते हैं। अच्छा, ये हमारे देसी बैंगन है, आप चेक कर सकते हैं, ये अभी पूरे तो नहीं तैयार हुए लेकिन अभी होंगे, ये अभी पर्पल कलर के होंगे। इसके बाद ये चिलीज वगैरह हैं, रेड चिली। ये देखिए लौकी है, ये भी लगी हुई है लेकिन ये भी अभी तक तैयार नहीं। कितनी बड़ी साइज की है, देखो इसका भी अभी सीजन आएगा ना, इससे भी बड़ा साइज, इससे भी बड़ी होगी, बहुत बड़ी साइज की होती है। ये टमाटर भी देखे, छोटे छोटे होते हैं, देसी जो होते हैं हमारे, ये लगे हुए हैं साइडों में। आपने ये चिल्ली भी देखो, ग्रीन रेड चिल्ली भी है, और ये टमाटर का पौधा है। ये खीरे कितने जबरदस्त लगे हैं, ये देखें आप, और रे कितना बड़ा खीरा, ये देखो, और एक खीरा इधर भी लगा हुआ है, ये देखो क्या बात है। मतलब फुल टाइम सब्जियां आपकी अपनी है, ऑर्गेनिक जी, काफी हद तक जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये सारी हमारी अपनी है। अभी हम गाड़ी से उतर के एक ट्रैक पे आ चुके हैं, ये देखो जंगल है, घास है, छोटे छोटे ट्रैक्स हैं। तो अब हम यहाँ से जाएंगे एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पे, इतना खूबसूरत दरख्त, जंगली दरख्त, और ये घास, बड़ी बड़ी लंबी घास उगी है, हालांकि पानी नहीं है, ये बारिश के पानी से इतनी घास उग जाती है और लोग सीजन में काट के ये संभाल के रखते हैं सर्दियों में और माल मवेशी को खिलाते हैं। ये वादी कश्मीर के खूबसूरत सरसब्ज शादा पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों के ऊपर ये खूबसूरत घर, इस तरफ और ये इस तरफ भी। तो अब हम ये डाउनवर्ड जा रहे हैं फेक से, साथ ये कौन सा गांव है नीचे वाला, ये भी सर्दी बागरे में ही आता है लेकिन ये जो है ये दमेरन है, इस जगह का नाम है। अच्छा, गांव है ये भी जी, वो जो दरिया के साथ है, और वो जो अगर आपको नजर आ रहे ना, हाँ हाँ, वो है चीटी तरह। अच्छा, ये दरिया नीलम है, झेलम है, दरिया जहलम, हाँ, ये बीच साथ ऊपर साथ, और ये सामने जो आपको पहाड़ी नजर आ रही है पाकिस्तान का अलग है, कोटली सतियां। अच्छा, ये कोटली सतियां हैं और उसके इस तरफ ये कश्मीर है। तो आज हम गांव में जा रहे हैं ना, यूनिक टिपिकल गांव में जी, आज हम जा रहे हैं, मेरा जो नानियाल भी है जिधर, और सिस्टर इदरीस भाई की खाला, तो वहाँ पे मतलब हम टिपिकल ट्रेडिशनल घर देखेंगे जी जी, जो हमारे पुराने जमाने के ट्रेडिशनल घर, आपका मारखोर अंकल कच्चे, वो भी देखेंगे, और यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल खाने भी हम खाएंगे जी जी, आप रात को। ये जरा घर आप गाइस देखें, इतना खूबसूरत घर है, थोड़ा सा रुकेंगे आगे, थोड़ा सा आगे 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 आगे, ये देखें गाइस, ये इतना खूबसूरत घर है यहाँ कामरान भाई के घर के साथ में, इतना खूबसूरत घर है, बड़े भाई का घर है, जायद के बड़े भाई शफकत नाम है, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप ये देखें, ये जो घर का मालिक है ना, ये यूके में है, फैमिली के साथ वहाँ सेटल है, लेकिन गांव में इतना शानदार घर बनाया। जो लोग यहाँ से जितने भी बाहर के मुल्कों में है वो अच्छा खासा कमा के गाँव में बड़ा अच्छा घर बनाते हैं जी, बिल्कुल, ये इसलिए कि रघु भाई ये होता है ना, बाल तो आप वगैरह भी आप रख लेते हैं, ठीक है, जिनके वाले फोत उनके सालाना दुआ भी होती है, उसके लिए एक तो घर पे जगह भी होना लाजम है, दूसरा जनाजे वगैरह हो जाते हैं बाहर, तो जाहिर है कोई दफन का तो नहीं करता ना, घर की तरह लाना लाजमी होता है, अगर बाहर उनकी मौत होती है तो यहाँ लेके आते हैं, लाजमी नहीं, अच्छा घर होना लाजमी है, दूसरा सीजन में वो खुद आते हैं, खुद आ जाते हैं। बकरियाँ देखो, मकामी लोगों की बकरियाँ इस तरह बांध के रखते हैं, चारा खा खा के इनका पेट भर जाता है। ये जो दरख्तों में वो बैसे जी जी बोल में सुना था बोल, ये वाले ना, ये गर्म एरिया के पहचान है। अच्छा, ये जब आप धूप में से गुजरेंगे ना इसके पास, हाँ, हीट मारते हैं, पहुंच गए, चलो ये साथ के नानों का घर। अच्छा, साथ के नाना के घर जा रहे हैं सबसे पहले हम, चलो जी। वाह, ये है घर, ये देखो, ये मक्के हर जगह आपको मिलेगी, और ये केले का दरख्त, ये देखें, ये खीरे भी इन्होंने यहाँ पे खीरे भी उगाए हैं, ऊपर देखें दरख्त के ऊपर आप नजर आ रही है सामने कितनी लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब्जी है ना, वो सब्जी है लौकी की, हाँ, और ये अखरोट का दरख्त है, ये भी,
यहाँ पे भी खैर है। और ये देखो कितना खूबसूरत घर है, ये देखें जी, ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल घर है, ऐसा है ना साद? वो मेरे नाना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी जो ओपन जगह है इस तरफ घर है, और ये जो जगह आपको नजर आ रही है ना, ये नीचे वाले फ्लोर की छत है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, खुश है। सबसे हमारे बुजुर्ग ही हैं। अच्छा, आपके नाना हैं? जी मेरे नाना। तो उम्र क्या होगी नाना साहब की? 82 ईयर। माशाल्लाह, आप 82 ईयर्स के तो नहीं लगते। मैं ठीक था। कहीं ज्यादा जवान लगते हैं आप। नहीं, मैं हार्ट का मरीज हूं ना। अच्छा, नहीं फिर भी माशाल्लाह आप बिल्कुल आपकी तरह हूं। नो सेहत वाले हैं कल गांव लगवा लूं मैं, ठीक हो जाऊंगा। जी जी बैठे। हम लोग आए आज तीसरा दिन है। आप गिलगित के रहने वाले? जी मैं गिलगित से हूं। ठीक, हम आपका ना पुराना घर देखना चाहते हैं जिसमें आप अंगेठी लगा के आग जला के रहते थे। चले ये देखें जी, ये है इनका बहुत पुराना ट्रेडिशनल घर। अच्छा, ये उस वक्त का वॉशरूम है। अच्छा, ये देखो सारे मट्टी के घर हैं, ये लकड़ी इस्तेमाल हुई है। ये देखें जी गाइस, ये सबसे पुराना तरीन चाचा का घर। छत देखें, दीवारें देखें, और ये लकड़ी इस्तेमाल हुई है। ये देखो, बस बस चाचा इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये अंगेठी है, इधर आग जला के ये पाइप से धुआं बाहर जाता है, और ये सामान रखने के लिए जगह थी। ये देखें छत देखें कितनी पुरानी है, ये इन्होंने अपनी जरूरत के सामान रखा है इधर। और ये क्या है चाचा, ये वाला? ये मुर्गियों के लिए रखा था। अच्छा, ये चीजें देखो, ये भी बड़ी यूनिक है यहाँ की, हमारे इलाके में भी ये इस्तेमाल होती है। बारिश में इधर हमने मुर्गी रखी है, कच्ची डब। अच्छा, यहाँ पे क्या करते थे, मतलब माल मवेशी रखते थे इधर, बांधते थे ताकि गर्मी और धूप बारिश में महफूज रहे। अच्छा, अभी यहाँ पे आप लकड़ी वगैरह रखते हैं सर्दियों के लिए? तो आप सर्दियों में इस इधर रहते हैं? आप सर्दियों में इधर ही रहते हैं? अच्छा, ये सारा मट्टी का है ना, दीवारें सारी? क्योंकि मट्टी के घर का ये फायदा होता है ना कि एक दफा आग जलाएं सारी रात सर्दियों में गर्म होती है और गर्मी में ठंडी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये छत देखेगा इस, कितनी पुरानी छत है, ये देखे किस अंदाज से छत डली है। हाँ, ये देखें, ये चीजें रखने के लिए स्पेशली उन्होंने जगह बनाई है। ये देखो यहाँ पे भी, ये नहीं, पहले ये पूरा कमरा था ना चाचा, ये आपने बाद में इसको तकसीम किया है? पहले ये पूरा लंबा घर था, बाद में आपने किया। सही सही। अच्छा, यहाँ सामान रखते थे जरूरत की, इसको बंद करते थे अंदर रख के। अच्छा, ये पानी के लिए स्पेशल। अच्छा, ये पानी नीचे जा रहा है इधर से? ये देखो इसका पूरा सिस्टम है, ये भर के रखते हैं जरूरत के तहत इस्तेमाल करते हैं, और नीचे से ये निकासी सिस्टम है बाहर जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में बाहर तो नहीं जा सकते ना, इसलिए यहीं से ही पानी की जरूरत हल कर लेते हैं। अच्छा, ये मखसूस जगह है कोई जरूरत की सामान वगैरह रखने के लिए। सर्दियों में आप इधर रहते हैं, और बड़ा मजा आता होगा आग जला के गर्म करके। ये बनाया किसने? घर वाले ने बनाया है। ये हमारा मुलाजिम जो सोता है,
अच्छा, ये मुलाजिम का कमरा है, मतलब मुलाजिम के लिए स्पेशली आपने ये रूम दिया है? चारपाई का कॉन्सेप्ट अभी भी है यहाँ कश्मीर में, इस घर की बात नहीं, हर घर में चारपाई है, है ना चाचा? चारपाई का ज्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा चारपाई है। ये इस इलाके का सबसे पुराना पढ़ा लिखा, 64 में इन्होंने मैट्रिक किया, और इस घर से ना ये सामने जो आपको पहाड़ी नजर आती है वहाँ स्कूल था, तो वहाँ पढ़ने जाते थे ये डेली, सुबह जाते थे शाम वापस आते थे, तो उस तरह उन्होंने मैट्रिक की है। उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, उस दौर में बच्ची को पढ़ाना कितना मुश्किल था, लेकिन स्ट्रगल करके बच्ची को इन्होंने पढ़ाया, और इस वक्त इनकी बेटी PhD है केमिस्ट्री में, और पूंछ यूनिवर्सिटी वहाँ पे वो HOD है डिपार्टमेंट की। उस दौर का मतलब सबसे पहला दुकानदार था इस इलाके का, तो दुकानें भी इन्होंने हमें दिखाई, तो सबसे पुरानी दुकान इनकी थी, एक ही दुकान जो यहाँ के सारे लोग चीज़ें आके लेते थे इनसे, तो बड़ी हिस्ट्री है इनके पास। बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही एक अजीम इंसान है ये, पढ़े लिखे हैं अपने दौर के पुराने, तो बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं, और कश्मीर के हिस्ट्री का भी इनको पता है, बताया उन्होंने। तो चाय आई है, चाय पी लेते हैं फिर तो उसके बाद निकलते हैं, तो इजाज़त दें हमें चाचा। चलो ठीक है, फिर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है मामू? ठीक ठाक, खैरियत है। आपका नाम हमने रखा है मारखोर मामू, जब से आप गिलगित से आए हैं ना, आपका नाम पड़ गया है मारखोर मामू। ये पहाड़ पे चढ़ते थे ऐसे तेज, ठीक हूँ, इस तरह माहौर मारखोर नहीं चढ़ता, इसलिए इनका नाम हमने मारखोर रखा है। जब ऐसे जब मारी कपड़े भी जैसे मारखोर वाले लगाए, ये भी तो है ना। खैरियत, खुश बाश, मजे में, शुक्र। बस मैं आते ही मैंने पूछा इनसे, तो उन्होंने कहा था कि नीचे मोहल्ले में है ये सामने, और ये कोर के पीछे ऊपर तो बड़े साफ बड़े नए घर थे, लेकिन यहाँ वो पुराने घर दिखे हैं, और ये मोहल्ला बड़ा खूबसूरत दिखा है। ये पुराने इसलिए है ना, ये यहाँ गर्मी पड़ती है, ये मिट्टी वाले होते हैं ना, ये ठंडे होते हैं जी, गर्मी में ठंडे, सर्दियों में, इसलिए ज्यादातर ये लोग। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कश्मीर अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। चाचा क्या हाल है? ठीक ठाक, बड़े भाई सगे, और बड़ी खुशी हुई आपके कश्मीर पहली दफा हम आए ये जगह देखने के लिए। मैं गिलगित बल्तिस्तान से, ये देखें गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही घर होते हैं, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। ये हमारा माल मवेशी का, अच्छा इधर माल मवेशी रखते हैं, इधर रखते हैं हाँ, ये मुर्गी मुर्गी, अच्छा सर्दियों में माल मवेशी रखते हैं ना, इधर माल मवेशी रखते हैं, सर्दी ये हमारा ये खीरे खीरों के बेले वगैरह हैं, खीरे की इतनी सारी बेले हैं, देखते हैं एक नए खीरे तो हमें मिले। ये देखें जी गाइस, ये ग्रीन खीरा यहाँ पे मिल गया, इससे भी बड़ा इधर एक, ये देखें गाइस इतने बड़े खीरे यहाँ पे, ये देखो क्या बात है भाई, और इतना जूसी और इतना टेस्टी होता है ना ये, ऑर्गेनिक तरीके से ये काश करते हैं, और ये देखें, बस बस आंटी बस, बहुत शुक्रिया, चलो अभी धो लेते हैं और खाते ऐसे ही मजे से। ये देखो कितने बड़े खीरे यहाँ पे काश्त होते हैं वादी कश्मीर में। ये आंटी एक यूनिक चूल्हे पे खाना बना रही है, ये देखें
यहाँ पे आपने वो कोयला डाला है, कोयला डाला है। फिर उसके ऊपर आपने पतीला रखा और आराम से खाना बन जाएगा, बन जाएगा। और ये बड़ी मजे की सब्जी बनाई है आपने। ये टिपिकल देहाती माहौल मुझे लगा और मुझे यही माहौल चाहिए था। दो दिन मैं इंतजार करता रहा ऊपर बड़े बड़े घरों के अंदर बैठ के। ये महबूब भाई, फाइनली हम पहुंच गए आरिफ मामू के घर में। क्या कमाल का व्यू है, ये देखो ये घर है इनका, बहुत खूबसूरत घर। और ये सामने ये सहन है, असल में ये सहन नहीं है, ये दूसरे घर का छत है, इस घर के लिए सहन है। और ये पूरा माहौल इस तरह है, एक घर के सामने दूसरे घर का छत वो सहन, फिर दूसरे घर के सामने तीसरे घर का छत वो सहन, ये इस तरह का स्टाइल है। और व्यूज देखो, नज़ारे चेक करो सामने और इस तरफ भी, ये देखो क्या कमाल के नज़ारे हैं गाइस। अभी जो खीरे हम तोड़ के लाए थे ना नीचे से, तो अभी हम काट के खाने लगे हैं। ये देखें कितने फ्रेश, नमक ही लिया हाँ नमक भी, और ये कितने जूसी और ताज़ा खीरे हैं। क्या हम जूस भी खी रहे हैं गाइस। बहुत मेहरबानी, फिर इंशाल्लाह होगी मुलाकात, उधर ही होगी जी इंशाल्लाह। चलो उधर ही होगी। चलते चलते हम फाइनली पहुंच गए हैं इदरीस भाई के खाला के घर, तो स्पेशल इन्विटेशन पर हम आए हैं। चलते हैं अंदर। ये देखें जी गाइस, ये इस तरह के घर ना काफ़ी ज़्यादा डेवलप, यहाँ पे जो घर बनते हैं इस तरह के बनते हैं। सोफा भी है, कुर्सी भी है, टेबल भी है, ये सेटअप एक स्टैंडर्ड वाला घर है। अंजुम बैठो। यस तो जैसा बड़ी खुशी हुई आपसे पहली दफ़ा मैं मिला, मुलाकात हुई आपके पास आए। हमें भी बड़ी खुशी हुई है आप हमारे पास आए। तो कैसा लगा आपको कश्मीर? कश्मीर बहुत अच्छा लगा, हर लिहाज से ना कश्मीर एक यूनिक जगह है, कल्चर के हिसाब से, रिवायात के हिसाब से, हाँ तकरीबन ये इंसानियत खलूस के हिसाब से, गलकीत और जो हमारा कश्मीरी कल्चर है तकरीबन तकरीबन मैंने सेम पाया। इदरीस भाई ने ये स्पेशली अरेंज करवाया है हमारे लिए यहाँ कश्मीर के जो रवायती खाने और जो फेमस चीज़ें वो क्या है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये टेबल पर बहुत सारी सब देसी चीज़ें आई हैं। ये स्पेशल मक्के की रोटी है, हमारे इलाकों में तो ये नापैद है, कहीं भी नहीं बनाते, लेकिन कश्मीर में ये मक्के की रोटी अभी भी खाई जाती है। और उसके साथ कढ़ी, ये चीज़ है कढ़ी, कढ़ी ये देखें, ये कढ़ी है, मैं कहा ये सब्जी के से बनती है। और शोरबे के अंदर ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा, ये लस्सी से बनती है। अच्छा ये लस्सी से बनती है, ये देसी साग है। और ये देसी साग है, ये खुद अपनी ज़मीनों में उगाते हैं सब्जियां सारी। ये देखें ये भी बड़ी स्पेशल है, ये तंदूर की रोटी और बीच में घी डाला हुआ है। ये देखें ये हर घर में ना यहाँ तंदूर रखा हुआ है छोटा सा, हर घर में, ये तवे पर नहीं बनाते रोटी, ये देखें बड़ी बड़ी तंदूर पर बनाएंगे और उसके ऊपर देसी मक्खन लगाएंगे उसको नरम करके, फिर ये सालन के साथ खाएंगे। ये देसी दही है, कुदरती तौर पे खुद है। हाँ ये देखें खाला उधर बैठ के देख रही है मैं क्या क्या इनको चीज़ें मतलब गिनवा रहा हूँ। ये देखो ये भी बड़ी स्पेशल चीज़ है, यहाँ हर चीज़ देसी है, आपको ना जान के हैरत होगी कि ये लोग ऑर्गेनिक चीज़ें अपना उगाते हैं, सब्जियाँ हों, फ्रूट्स हों, इवन की दूध भी आपका अपना है ना, माल मवेशी ये पालते हैं दूध से, ये लस्सी मक्खन ये ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं लस्सी। और ये इनकी अपनी लस्सी है, छाछ वाली लस्सी है ना, ये छाछ वाली लस्सी है जो प्रोसेस करके दूध को मक्खन निकाल के ये बाकी लस्सी है। ये मक्के की रोटी टेस्ट करके देखते हैं, ये काफ़ी सख्त है, क्रिस्पी टाइप की मकई है ना, हमारी बहुत होती थी पहले, अभी छोड़ दिया लोगों ने, बहुत जबरदस्त, अभी लोगों ने छोड़ दिया।
और असल कॉम्बिनेशन ना मक्के की रोटी का साग के साथ है। ये चटनी भी है साथ में। और ये एक चटनी, ये भी स्पेशल है, देसी चटनी। ये भी कश्मीर की ना बड़ी स्पेशल डिश है। फ्राइज नीचे रखते हैं, प्याज भी होता है, लहसुन भी ऊपर से, चिकन रख के इसको तंदूर में बेक करके इस तरह से पकाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। सजाद भाई के घर में बड़े मज़े का खाना खाया, उसके बाद हम लॉन में आए स्पेशली, क्योंकि अंदर थोड़ी सी गर्मी थी, ठंडी हवा में हमने चाय पी और अच्छी खासी गपशप की बहुत सारे मौजूद पे। तो अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। तो सजाद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके पास आए, खाने खाए, बड़े मौजूद पर गपशप हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर हम दोबारा चक्कर लगाएंगे आपके पास। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो यमुना आ जाओ, अंजुम आओ जी।